भी, क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर कहा है, उन्होंने कहा है कि आदिवासियों का दुश्मन कौन था बताइए, क्योंकि आदिवासी अब तक उनके लिए किया क्या आपने, उस पर भी आऊंगी, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो उनकी गिनती को रोक रहा है। एक बार जरा प्रेम जी, सेंसस रोकी है, एक बार प्रेम जी का रिएक्शन, आर्थिक सर्वेक्षण को रोक रहा है आजकल दुष्यंत जी, एकदम सभा वाले मोड में रहते हैं जी। देखिए, राम सेतु को लेकर के जो पूर्ववर्ती सरकार का रुख था वही वर्तमान सरकार का भी रुख है, इन रिटर्न कोई फर्क नहीं है, एक एक लाइन वही है। और राम सेतु को का जो मॉडल बना था वो मॉडल, उस पर काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुआ था, वो भी सारी चीजें आज भी क्यों नहीं बना लीजिए ना, राम सेतु क्यों नहीं बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि सरकार का रुख वही, राम सेतु तोड़ने की बात में कह रहा है आपको, कैसी बातें आप कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे, बोल रहे हैं ये लगता है कि राम सेतु जैसा एक्चुअल राम सेतु नहीं है, यही आज भी सरकार का रुख है, ये नहीं है कि वो राम से। अच्छा प्रेम जी, तो बताइए एफिडेविट किसने दिया था कि राम काल्पनिक है, अब फिर कितनी बार बताइए ना कोर्ट में किसने एफिडेविट दिया था, देश की जनता जानना चाहती है, आप करोड़ों लोगों के सामने आप यहाँ पे बैठे हुए बता रहे हैं, जरा बताइए ना किसने एफिडेविट दिया था कोर्ट में कि भगवान श्री रामचंद्र लला विराजमान जो है वो दो गुड्डे रखकर वहां पर, दो गुड्डे गुड़िया रखकर वहां पर पूजा अर्चना की जाती है, राम से कर लेंगे मुकाबला, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भगवान की फोटो दिखाने से पेट नहीं भरता है, राहुल गांधी ने क्या कहा था कि जय श्री राम बोलो और भूखा रहो, और जितेंद्र रावण, मतलब पूरा जो भी आपका केवल एक तरफा एक कुछ लोगों का बयान पढ़ रहे, बिल्कुल ऐसे तो बहुत सारे हैं, भजन है, भजन है, ये कुछ गोपाल कारनामों की अगर कार के भजन नहीं होता है, एक एक काली मां आप हमारे देश में आ रही है, परंपरा है देश में अदब से, केवल मूर्ति से, केवल केवल इस देश के नायक हुए हैं, नए नरेंद्र मोदी के नायक होने के बाद इस देश का एक हिंदू समाज, एक बार उनकी बात कंप्लीट होने, सारे लोग जो देख रहे हैं, जो जान रहे हैं कि कोर्ट से आज निर्णय होने के बावजूद भी कांग्रेस कभी राम मंदिर का निर्माण नहीं होती, इस देश की संस्कृति को स्थापित नहीं होने देती, पर वो कहते हैं कि ताला तो हम ही ने खुलवाया है, बाहर से राम, वो कहते हैं कि ताला तो उन्होंने ही खुलवाया है, वो ये कहते हैं इस चीज का दम भरते हैं, वो कोर्ट के आदेश से खुला था, कोर्ट के आदेश से खुला था, प्रेम ये सब लोग जानते हैं कि न्यायालय के आदेश से ही ताला खुला था, और कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि न्यायालय के आदेश से ही राम मंदिर बनाए, अब एक सेकंड तो न्यायालय में केस किसने लड़ा, हम जब अपने मैनिफेस्टो में लिख करके आए थे कि सौगंध राम के साथ है मंदिर वही बनाए, यही मैंने कहा था ना, कहते थे कि तारीख अभी थोड़ी देर पहले आप तारीख भी बता दी है, मंदिर ठीक है, ठीक है, एक बार जवाब तो आने दीजिए, भगवान राम का भव्य दरबार, एक कर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इनको राम मंदिर के डिबेट में क्यों मजा आ रहा है, क्यों इस वक्त राम मंदिर का डिबेट हो रहा है, आपको इसलिए हो रहा है, अरे हमारे लिए जीवन मंत्र है, मजबूत होते हैं हम राम के नाम पर, हम राम के नाम पर मजबूत करते हैं, ये चुनाव आपको मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, तीसरे चुनाव भगवान राम के नाम पर आपको मजा आ रहा है, बहस कर रहे हैं, अरे हम जीत ले रहे हैं, जीत पे वोट में बदल रहे हैं, और कांग्रेस के नाम पर वोट मांग रहे हैं, राम विमुख और ये मांग रहे हैं, यहाँ पे कोई रोहन हारा, कोई रोहन हारा नहीं मिलेगा, पहले कोई रोहन राम नहीं आता है, अब जब दोनों चरण ये चुनाव हार रहे हैं, आप ये राम को एक मुद्दा बना रहे हैं, ठीक है, चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, श्री राम का नाम ले रहे हैं, ऊंचाई पर श्री राम को रोक लो, आप दोनों को रोक लो, आप दोनों को रोक लो, प्लीज प्रेम जी और धैर्य जी, जरूरत है, आप दोनों को रोक लो, दोनों को रोक रही हूँ, लेकिन प्रेम जी जो बात कह रहे हैं उसी बात को उठाते हुए सूर्य मैथिल जी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कह रहे हैं, क्या जिंदा रखना चाह रही है इस मुद्दे को बीजेपी, वो कह रहे तीसरा चरण आने से पहले जिंदा रखना चाह रही है, वो फिर से जिंदा करना चाह रही है, यदि भाजपा ने इस मुद्दे को जीवित ही रखना होता तो वो चुनावों के बाद शिलान्यास प्रदान प्रतिष्ठा करते ना रामलला विराजमान की, लेकिन ऐसा नहीं किया, उन्होंने जो समय था जो योग थे उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिनों की कठिन तपस्या नारियल के पानी के ऊपर जो उन्होंने काटा पूरे व्रत किए उसके बाद रामलला विराजमान की प्रतिष्ठा की, लेकिन एक और सत्य आज देश को जानना चाहिए, श्रीनिवास नटराज ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कर्नाटक के मैसूर जिले में भगवान श्री रामलला विराजमान की जो आज ये भव्य और दिव्य मूर्ति है उसके लिए
चट्टान शिला खोजी थी और उसके ऊपर कर्नाटक सरकार ने 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया और उस व्यक्ति ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उस जुर्माने का भुगतान किया। ये बात करते हैं यहाँ पर बैठकर भगवान श्री राम की और राम भक्तों के ऊपर इस प्रकार के जुर्माने ये लगाते हैं और मैं खुल के बोल रहा हूँ, फेक न्यूज नहीं है, ये सच है। आप लोगों ने इस प्रकार के कुकर्म किए, देश की जनता आपको जवाब देगी। एक न्यूज, एक न्यूज, जाइए फेक न्यूज। दुष्यंत जी, दुष्यंत जी, इनको ये पूछ रहा हूँ मैं कोविशील्ड के बारे में भी। ना ना ना, आप श्रीनिवास, आप श्रीनिवास नटराज के ऊपर बताइए 80,000 रुपए का जुर्माना कर्नाटक सरकार ने क्यों लगाया उसके ऊपर, चोरी करने का आरोप लगाकर, बताइए आप मुझे। एक सेकंड रुकिए ना दुष्यंत जी, आप देखिए, सुनिए दुष्यंत जी, तो हम यहाँ मैं बोल रही हूँ आपके बीच में क्योंकि आप कोविशील्ड को लेकर आए। देखिए फिर एक और आप ये भ्रमाने और बरगलाने का काम देखिए, जनता सभी कार्यों की समीक्षा होगी, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि वो वैक्सीन लगने के बाद वो कब तक असर करता है, अगर जो जिस चीज की ओर आप इशारा कर रहे हैं 4 से 40 दिन के अंदर। सर वो 4 से 40 दिन ना हो चुके हैं, तो प्लीज एक और फेक नैरेटिव नहीं गढ़िए, नहीं गढ़िए, नहीं गढ़िए, आपको फेक लग गया, नहीं गढ़िए, कोविशील्ड फेक है क्या? मैंने कोविशील्ड फेक नहीं कहा, मैंने क्या कहा है सर कि आप उस बात को ठीक है, देखिए पहले भी जब वो आ रही थी वैक्सीन, ठीक है कोर्ट में पहली बार माना है कंपनी ने, लेकिन उसके क्या जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं वो पहले ही बताया जा चुका था, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जा चुका। सर देखिए वो एक स्टडी काम किया गया है, स्टडी, और देखिए इतने छोटे से एक लाइन में नहीं आप कह सकते, वो अपने आप में एक विषय है, वो अपने आप में एक विषय है। बैक टू, मैं वापस बनाया गया पिछले विधानसभा चुनाव में, इन्होंने बात होगी, देश की जनता से कि आप गूगल कीजिए और नाम लीजिए श्रीनिवास नटराज का और पता कीजिए कि क्या कर्नाटक सरकार ने 80,000 का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाया कि नहीं लगाया, और उसने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसका भुगतान किया कि नहीं किया। देश की जनता अपने आप जवाब देगी, एक बार जवाब दे दीजिए और फिर उसके बाद सही जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको, सही और प्रमाणिक जानकारी नहीं है, प्रमाणिक जानकारी है, कर्नाटक सरकार मैसूर जिले के अंदर ये काम हुआ है। लेकिन सुनिए ना, अच्छा छोड़िए, आप उनकी बात का जवाब मत दीजिए, आप उनकी बात का जवाब मत दीजिए, लेकिन मेरी बात का जवाब दीजिए कि क्यों बार बार आप लोग इस तरह के बयान देते हैं राष्ट्रपति को लेकर। देखिए अनुराग ठाकुर ने भी कहा, उन्होंने सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण को लेकर नहीं बल्कि जब राष्ट्रपति के तौर पर उनका नाम सामने आया था तब भी आप लोगों ने इसी तरह से हो हल्ला किया था। आप लोग बार बार सनातन हो, शक्ति हो, बिल्कुल गलत नहीं, तो आप लोग खामियाजा भुगत महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करता है, कांग्रेस पार्टी महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करती है, इंडिया अलायंस महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करते हैं, प्रेम कुमार और दुष्यंत नागर भी महामहिम का सम्मान करते हैं, पूरा भारत ऐसी बिल्कुल भी आप मैसेजिंग करने का प्रयास ना करें। मैं कर रही हूं, कोई महामहिम के प्रति वो आपके बयानवीर कर चुके हैं जब कहते हैं कि बंगाली में हमको बंगाली में मतलब वो हिंदी हमारा थोड़ा सा बदल जाता है मात्रा, हमारा श्रद्धा के साथ सर झुक जाता है, उनको प्रणाम करते हैं। महामहिम भारत की प्रथम व्यक्ति हैं, तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर हैं, सबसे बड़ी न्यायाधीश है। सुन लीजिए अब, कांग्रेस ने के अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष ने जो राष्ट्रपति महामहिम का अपमान किया था, बाद में उसके लिए माफी मांगी थी। कांग्रेस अपने काले कारनामों की कितनी माफियां मांगेंगी, कितने गुनाह मोदी जी के, कितनी बार स्लिप ऑफ टंग हुई, वीडियो सुना दूं, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था सर, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था, क्या बोला उन्होंने राष्ट्रपति बोला ही बोला हिमानी जी, विदेश में क्या क्या बोला हिमानी जी, सुना जब अधीर रंजन चौधरी ने खुद कहा गलत बोल दिया, माफी मांगता दोनों में, अगर इतने फेक है दोनों आपस में, अगर के साथ कौन सी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति है वो, जिसने आपने माफी मांगी आपको अच्छा नहीं लगा, उसने माफी मांगी कर आपको, आप दोनों की बातों में विरोधाभास मांगने का अच्छा, दोनों को विरोधाभास देखिए।